इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान धर्मचंद जी, ज्ञानमती देवी बरजात्या, फतेहपुर शेखावाटी, फर्म श्री बड़े बाबा इंटरनेशनल परिवार सूरत गुजरात, स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में, धर्मपत्नी श्रीमती नत्थी बाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से समस्त परिवार। नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम। नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम। नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज, हम सभी के आराध्य जगत पूज परम पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो, मुनि संघ की जय हो। जीवन में उन अनसुलझी पहेलियों को अपन सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं जो सुलझी हुई हैं लेकिन हमने उलझा रखी है। अच्छे मार्ग कभी उलझे हुए नहीं रहते, अच्छे मार्गों में व्यक्ति उलझ जाता है। बुरे मार्ग कभी सुलझे हुए नहीं रहते, कभी व्यक्ति मेहनत करके सुलझा लेता है। जितने भी बुरे कार्य हैं वे कभी सुलझे हुए रहते नहीं हैं, बहुत उलझे हुए रहते, लेकिन व्यक्ति में पता नहीं कहाँ से वो ताकत आ जाती है कि बुरे कार्य जो उलझे हुए हैं उनको सुलझा लेता है। डाकू को किसी घर में प्रवेश करना साधारण बात नहीं है, लेकिन वो भी घर में प्रवेश करने का रास्ता खोज लेता है। जहाँ चारों तरफ से बंधन है, ताले लगे हैं, किवाड़ लगे हैं, पहरेदार है, सब तरफ की मजबूती है, कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है, और है रास्ता तो बड़ा कठिन है, जानलेवा है, फिर भी डाकू जैसे तैसे अंदर जाने का रास्ता निकाल लेता है। कितना उलझा हुआ था रास्ता निकाल लेगा। किसी के प्राण लेना मारना कोई घास ही खेल नहीं है, फिर भी हिंसक व्यक्ति कितनी मेहनत करता है। एक हिंसक व्यक्ति किसी को मार्डर करना है ना, कितने उपाय सोचता है, सब तरफ से पाबंदी है, कानून से, पुलिस से, वो स्वयं सुरक्षित है। एक व्यक्ति को बचाने के कितने उपाय किए जाते हैं, उसके बावजूद भी मारने वाला व्यक्ति मारने का रास्ता निकाल लेता है। एक बार सुना था कि आतंकवादी संसद में घुस गया, कितनी सुरक्षा है वहाँ, कितनी पाबंदी है, कितनी एक्सरसाइज की होगी पहले से, उसने घुसने का रास्ता निकाल। इतनी पाबंदियों में, जहाँ साधारण नहीं था, इतनी पाबंदियों में भी घुस गया। इतनी पाबंदियों में नेताओं की सुरक्षा होती है, फिर भी मारने वाला
आतंकवादी वहां भी घुस जाता है। एक शिकारी जंगल में जानवरों को मारने के लिए कितनी मेहनत, कितनी एकाग्रता, कितना कंसंट्रेशन, कितनी रिस्क उठाता है, कितनी रिस्क उठाता है और कितना एकाग्र होकर के छुपा रहता है। ऐसे चोरी करने वाला, ऐसे झूठ बोलने वाला कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है झूठ बोलने के लिए, कितना सोचता है मेरा झूठ कोई पकड़ नहीं ले, कोई नहीं। कुशील करने वाला व्यभिचारी कितनी कुशलता से, सब तरफ से पाबंदी है, सरकार से, कानून से, परिवार से, सब कुछ है, कहीं से कितना कठिन है, फिर भी बलात्कार हो रहे हैं कि नहीं, पाबंदी कितनी है, सजा है, कोर्ट की सजा, कानून की सजा, परिवार से सजा, कहीं से भी तो छूट नहीं है, फिर भी एक पापी बलात्कारी हो जाता है, सफल हो जाता है। व्यभिचारी सब तरफ से पाबंदी है, फिर भी व्यभिचारी व्यभिचार में सफल हो जाता है, रास्ता ढूंढ लेता है। परिग्रहवान व्यक्ति कितना कितना कितनी मेहनत करता है, सब तरफ से पाबंदी, सरकार की तरफ से, सबकी तरफ से, फिर भी दो नंबर का काम करने वाला दो नंबर का कर लेता है। सब पाबंदियां हैं, सरकार से, कानून से, सब है, लेकिन फिर भी आज तक कभी दो नंबर का काम रुका नहीं, चल रहा है, इस मंगलर चल रहे हैं। सारा विश्व ने अपने अपने देश पर चौकीदारी लगा रखी है, दंड रखा रखा है, फिर भी आज तक कभी इस मंगलर गिरी बंद कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं। कितने कुछ हो जाए, रिश्वत लेने वाला रिश्वत ले रहा है, चाहे अन्ना हजारे आ जाओ, चाहे बन्ना हजारे आ जाओ, लेने वाला ले रहा है और देने वाला दे रहा है। लेने वाला फिर भी पीछे हट जाए, लेकिन देने वाला लिए बैठा, ले भाई काम तो कर। लेने वाले ज्यादा, लेने वाले में कम रुचि है, देने वाले में, क्योंकि देने वाले को फाइल निपटवाना है, देने वालों की गलत फाइलें हैं, इसलिए वो ऑफिसर को मनाते हैं कि साहब ले लो कुछ, वो साहब मैं नहीं लूँगा, साहब इनडायरेक्ट ले लो। बताओ लेने वाले लोग दुनिया में ज़्यादा हैं कि देने वाले, रिश्वत लेने में? अपन सबको मालूम है कि सब देने वाले बैठे हैं। मैंने जब अन्ना हजारे ने प्रसंग उठाया तो मैंने कहा अन्ना हजारे तुम कह रहे हो भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, रिश्वत लेना बंद होना चाहिए, रिश्वत वालों लेने वालों पर सख्त कानून होना चाहिए, मैंने करेगा क्या तू, देने वाला दे रहा है, रुचि कर रहा है, देने वाले ज़्यादा हैं, कितने ऑफिसर हैं जो नहीं लेते हैं लेकिन देने वाले उनको मनाते हैं, मनाते हैं भैया ले ले कुछ फाइल निपटा दे, एक नंबर में ले ले, दो नंबर में ले ले, बीवी को सोने का हार ले ले, तरीके बहुत है, गाड़ी गिफ्ट में दे देते हैं, मकान ले ले, बंगला ले ले, सब दे देते, जितने जितने बड़े कार्य हैं उसमें रिश्वत भी, देने वालों की ज़्यादा रुचि है। 90% जितने गलत कार्य करते हैं भी रिश्वत देने में रुचि रखते हैं, लेने वाला रुचि रखे या न रखे, जब देने वाला जहां, जब तक तुम देने वालों को नहीं रोकोगे लेने वालों को रोकना कठिन है। देने वालों का दिमाग बदलो कि रिश्वत देना कितना पाप है, देने वालों का दिमाग बदलो, लेकिन देने वालों का आज तक दिमाग कभी बदला नहीं, बदलेगा नहीं,
क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में कोई फाइल ऐसी है जिसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और मैं तो ये कहता हूं, सरकार की और राजा की दुर्नीतियां ऐसी हैं कि हर व्यक्ति को गलत काम करना ही पड़ेगा। सरकार के कानूनों की स्टडी की हर क्षेत्र में, और तो और कहूं कि हम लोग भी नहीं बच पाए, धार्मिक स्थान भी नहीं पाए। कई बार मुझे अनुमोदना करना पड़ती है, हाँ दो भाई देखो जो साथी है उसको कहने में कोई करना पड़ता है, कहना पड़ता है भाई महाराज जी को दे लेके निपटेगा धार्मिक कार्य मंदिर का है। और कोई तो कार्य में नहीं करूंगा मैं, मंदिर का है, धर्म का कार्य है, किसी गरीब का है, दहल जाते हूँ कई बार, देखो मुझे भी करना पड़ रहा है कि निपटाओ दे लेकर के। मान लो मंदिर की कोई जमीन है, कुछ है, किसी ने कब्जा कर लिया, कब्जा हट सकता है, कुछ ऊपर से देना पड़ेगा, पुलिस वाला कोई भी है वो कहता साहब हटा दूंगा, कुछ खर्चा पानी लगेगा, और वो केस मेरे पास आया, आप सबकी राय क्या है, मैं क्या करूंगा बोलो, मुझे समर्थन कर देना चाहिए और या कह दूं मंदिर जाए तो जाने दो, जमीन जाए तो जाने दो, मरो तो मरने दो, लेकिन दो नंबर का रिश्वत नहीं देना। ये करूं और कमेटी कह रही महाराज जी कह दें तो फिर मैं कर लूंगा, मेरे भरोसे है, मैं मना कर दूं तो वो नहीं देंगे और हाँ कर दूं तो देंगे। बोलो मुझे क्या करना चाहिए, आज मीटिंग में प्रस्ताव पास हो जाए। बालक तू बता, चश्मे वाला बालक क्या करना चाहिए, मंदिर बचाना है ना, हाँ यही मैं भी करूंगा, करता हूं। गलत है गलत, आत्मा बोल रही, लेकिन करें क्या, राजा की दुर्नीति है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, सरकार के कानून है, ऐसे कानून बना दिए, मंदिरों पर टैक्स लगा दिया, मंदिर में दान दे रहा है व्यक्ति। मैंने एक बार बहुत बड़ा प्रश्न दिया था राजस्थान में सरकार को, मैंने कहा तुम पागल हो गए हो, तुम टैक्स ले रहे हो जनता से, हम दान दे रहे हैं जनता से, दोनों का नाम बदला है, परिभाषा बदली है, तुम्हें लेना पड़ता है, हमें लोग देते हैं, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है, तुम टैक्स लेते हो हम दान लेते, तुम टैक्स लेकर के घर में नहीं रखते, तुम टैक्स लेकर के राष्ट्र में, हम भी दान लेकर घर में नहीं रखते, उसको भी कहीं ना कहीं लगा देते, मंदिर के नाम से लगाएंगे, लेकिन होगा तो रोजगार, कम से कम दान फ्री होना चाहिए, क्योंकि दान एक पारमार्थिक है, दान में एक सोसाइटी को देता है, दान किसी व्यक्तिगत का लाभ नहीं है, व्यक्तिगत का स्वार्थ नहीं है। एक मंदिर बनता है 10 करोड़ का, देखना, हमने कहा भी आप क्यों, बोले महाराज पूंजीपति के पास पैसा रखा है उस हम टैक्स लेते हैं, उनकी मैं भी तो यही करता हूँ, बड़े आदमी के पास जो पैसा है उसको दान में लेता हूँ और मंदिर बनाता हूँ 10 करोड़ का, और ये 10 करोड़ गरीबों के घरों में भेज देता हूँ मजदूरी के नाम। एक मंदिर बना यहाँ इतने करोड़ों का, ये पैसा किसका था, अमीरों का, गया किसके पास, एक भी जैन के पास नहीं है पैसा। 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ तो 100 करोड़ रुपया जैनी ने दिया, लेकिन वो पैसा गया कहाँ, मजदूर के पास, लोहे वाले के पास, पत्थर वाले, खान वाले के पास, सीमेंट वाले, बाजार में गया। तुम भी यही कर रहे हो, मैं भी यही कर रहा हूँ, नाम बदला है, तुम डंडे के बल पर करते हो, तुम लूटते हो,
और हमें खुद स्वयं दे के जाता है व्यक्ति और अभाग्य मानता है। तुम टैक्स लेते हो तुम्हें बद्दुआ मिलती है, कोसता है वो, छुपाता है वो। और महावीर स्वामी ने, धार्मिक आचार्यों ने, हम लोगों ने कितना बढ़िया काम किया। तुम किसी से टैक्स लेते हो वो देता नहीं है, देना पड़ता है, और कोसता है, बचता है, छुपता है। और हमारे शास्त्रों में ऐसी विधि लिखी, ऐसी बढ़िया विधि लिखी कि सामने स्वयं लिए फिरता है, महाराज मेरा दान लगवा दो। मुझे आज तक किसी दानी से दान की कहना नहीं पड़ी। बताओ ललितपुर वालों, अक्षय बाबू इतना दान दे रहे हो 10 साल से, मैंने किसको दान की जबरदस्ती की है, किसको दान की कही बताओ? एक कोई नाम बताए कि मेरे से महाराज ने कहा तुझे दान देना, नहीं दिया तो ध्यान रख लेना। हंसी मजाक करना अलग चीज है, कोई अपन चलते फिरते गले थे, अरे सेठ जी क्या कर रहे हो, आदेश तुझे इतना देना है और मेरा आदेश नहीं माना तो खबरदार। कोई एक एग्जाम्पल है तुमसे कहा कभी? कहा नहीं, कह नहीं रहा और कहूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे अपने भक्तों पर विश्वास है कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल पाएगी, उसके पहले ही ओठ हिलते देखकर खड़े हो जाएंगे, मैं देने को तैयार। बोलते ही नहीं, मात आपको इतना पता चला है, महाराज ने मंदिर का आशीर्वाद दिया है, बस बस इतना ही सोचते। आचार्य जी ने आशीर्वाद दे दिया मंदिर को, बस। फिर आगे कहता है आचार्य जी ने कुछ कहा तो है ही नहीं, बोले कोई कहने की जरूरत ही नहीं। होता है कि नहीं? इतने कहते हो भैया ध्यान रखना, महाराज जी ने मंदिर का आशीर्वाद दे दिया, मंदिर का दिया ना, बस अब दानियों की लाइन लग जाती। जहां इतना समर्पण हो, इतनी श्रद्धा हो, और अवभाग्य मानते हैं कि मैंने जितना पुण्य किया, हे भगवान मेरे दान से ये मंदिर अवभाग होता है, धन होता है, आनंद आता है, घर घर में पीढ़ी दर पीढ़ी आनंद मनाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आनंद मनाते हैं। तरीका वो है, लेकिन सरकार ने ऐसी नीतियां बना दी कि हमें दान भी 2 नंबर में लेना पड़ता है। दान जैसी व्यक्ति 2 नंबर में लेना पड़ता है। वो इनकम टैक्स वाले को मंदिरों में आ जाए कि बताओ पैसा कहां से आया। कुछ बात है, सरकार की दुर्नीतियों के कारण से व्यक्ति को पाप करना पड़ता है, करना नहीं चाहता। मैं तो करना ही नहीं चाहता हूं, लेकिन जब दुर्नीति देखी तो मुझे भी कहा कि नीति को एक तरफ रखो, मंदिर बचाओ, प्लाट बचाओ, रिश्वत लेता है तो दो, इस पर लेता है तो दो, मंदिर को बचाओ, धर्म को बचाओ। ऐसी स्थिति में हम कैसे पाएंगे कि पापाचार मिट जाए, चोरी मिट जाए? सरकार खुद कह रही है करो तुम, उसने रास्ते ऐसे बना दिए, शराब मत पीना साहब, लेकिन शराब के ठेकों को लाइसेंस दे रही है, शराब बेचने की छूट है, पीने की छूट नहीं। अरे भाई वो करेगा क्या, करेगा क्या? तो ऐसी सरकार की, तो इसलिए मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा, लेकिन कह रहा हूं कि कई बार व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, सरकार इतने कानून लगा रही, छापे डाल रही, सब कुछ कर रही, फिर भी 2 नंबर का करने वाला 2 नंबर कर रहा है। सार पांचों पाप अनादिकाल से होते आए, हो रहे हैं और भविष्य में होते रहेंगे। लोग गालियां देते आए, दे रहे हैं, देते रहेंगे। लोग क्रोध करते आए, कर रहे हैं, करते रहेंगे। महावीर उपदेश देवे, चाहे हम कितने उपदेश दो, कितने कुछ करो, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होने वाली, संसार कभी बुराइयों से रहित होने वाला नहीं है, वो तो होगा।
होगा, कितने उपदेश दो बताओ भैया। गुस्सा करना अच्छी बात है कि बुरी बात? थोड़ा जोर से बोलो। थोड़ा बाजू वाला एक दूसरे के जेब में हाथ डालना, वो यहीं झापड़ चढ़ेगा, समझता है क्या हो रहा है? जान रहा हूं, समझ रहा हूं क्रोध बुरा है, लेकिन मौका पड़ने पर क्रोध करने से चूक नहीं रहा व्यक्ति, कोई ना कोई रास्ता निकाल रहा है क्रोध करने का, निकाल लेता है। फिर पूछता हूं महाराज जी क्या करूं, वो तो जेब में हाथ डाल रहा था। तो भाई जाल रहा था तो गुस्सा तो क्यों महाराज, आ गई तो आ गई, क्या करूं, आ जाता। एक भी पाप ऐसा नहीं है जिसको पाप करने की कोई कॉलेज हो, कोई प्रवचन हो, कोई किताब हो। आज तक कोई भी दुनिया में किताब मर्डर करने की नहीं बनी, मर्डर कैसे करना चाहिए, कौन से स्कूल में सिखाया जाता है जहाँ मर्डर करना सिखाया जाता है, हिंसा करना सिखाया, किसी के प्राण लेना सिखाया। प्राण बचाने के लिए मेडिकल है, पीएमटी है, वायोलॉजी पढ़ता है, 20 साल पढ़ता है, प्राण बचाने के लिए पढ़ता है, लेकिन मारने वाला कहीं पढ़ाई नहीं करता। मारने वाले की कोई पढ़ाई नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं, बिना पढ़े मारना सीख जाता है, बिना पढ़े प्राण ले लेता है, प्राण बिना पढ़े जिंदगी बर्बाद कर देता है, बिना पढ़े लिखा। और बचाने के लिए सबको मालूम है एक जीव को बचाने के लिए कितनी मेहनत, कितनी सावधानी, क्या है ये दुनिया, क्या करें। जो पाप है उसकी पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, किसी ने कहा नहीं, फिर भी धनाधन हो रहा है, सफल हो रहा है। इसकी पढ़ाई है, संस्कार है, पीएमटी है, तब बचाना सीख पाता है। उसमें भी बचा पाए कोई जरूरी नहीं है। हमें कितनी साधना करना पड़ती है जब हम एक चींटी को बचा पाते हैं। मन में करुणा हो, दया हो, नीचे देख के चलो, यहाँ वहाँ नहीं देखना, तब एक चींटी बचा पाते। पीछे लिए फिरता हूँ, अब देखो कितनी मेहनत की, सब कुछ छोड़ दिया, ये नहीं छूट रही। विकल्प तो आता है, चिंता तो होती है, इसकी चिंता होती है, टूट गया पीछे बदलना है। अब कहीं रात में बैठता हूँ ना बिहार में स्कूलों में, तो बांध के बैठना पड़ता, कुत्ता नहीं ले जाए तो सुबह हम बिहार क्या करेंगे, हम लोग साहब हाँ ले जाते, कई बार कुत्ते ले जाते हैं, सावधानी रखना पड़ता। हवा आ जाए तो उड़ नहीं जाए, अरे हमारे लेना देना क्या है पीछे से, हमारा क्या लेना देना है पीछे से, हम इतनी चिंता क्यों करें, क्या जरूरत पड़ी पीछे की इतनी चिंता करने की। सुरक्षित करता हूँ, पीछे परिवर्तन करता हूँ, क्यों करता हूँ, मेरा कोई लाभ नहीं है, लेकिन जीवों को बचाए बिना मेरा मुनि व्रत नहीं है। उन जीवों को बचाने के लिए मुनि को कितना विकल्प में डाल दिया महावीर स्वामी ने, कितना टेंशन दे दिया पीछे का, जीवों को बचाने के लिए, स्वयं को बचने के लिए नहीं है। तब कहीं हम जीव बचा पाते हैं। और मारने वाला कुछ नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, समझा नहीं, यूं मारते चले जाते। छोटा बच्चा बैठा बैठा मच्छी मक्खियां मारता रहता है, उसको कहाँ सीखा। अरे भाई मैं एक मक्खी को बचाने के लिए मेरे गुरु ने कितनी क्लासें पढ़ाई, तब मैं मक्खी को बचा रहा हूँ, वो छोटा बच्चा बैठा बैठा यूं चींटी पकड़ता है, मसल देता है, यूं चींटी पर, किसी ने पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, फटक दिया। आज तक झूठ बोलने का कोई कॉलेज नहीं है, बिना लो चोरी का कोई कॉलेज नहीं जहां डाका डालना सिखाया जाता हो। व्यभिचार का भी हमने कह दिया, कोई दुनिया में कॉलेज नहीं जहां व्यभिचार सिखाया जाता हो, कोई कॉलेज नहीं जहां पर लोभ मूर्छा सिखाई जाती हो,
सब एक्सपर्ट है, उलझे हुए कितने रास्ते सुलझे हैं, उलझे हुए रास्ते, कठिन रास्ते में भी रास्ता निकल रहा है। और धर्म क्षेत्र में देखो बिल्कुल सीधा रास्ता है, कहीं से पाबंदी भी नहीं है, कानून से रोक नहीं। हिंसा को तो कानून से रोक है, परिवार से रोक है, धर्म से रोक है, समाज से रोक है, कर्मों से रोक है, सब तरफ से रोक है। अहिंसा के लिए किससे रोक है, कौन सा कानून है? अहिंसा पालन करने में कौन सा कानून है, कौन सी पाबंदी है, कौन सा जेल हो जाएगा? बल्कि पुरस्कार और मिलेगा, बल्कि पूज्यता पद मिलेगा। तुम अहिंसक बनते जाओगे, तुम पूज्य बनते जाओगे। तो बिल्कुल सरल सीधा रास्ता है अहिंसा का। हिंसा का तो कितना कठिन है मैंने बता दिया, हिंसा के लिए कुछ नहीं करना अहिंसा के लिए, फिर भी अहिंसा पे कोई कह रहा बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है। अरे कठिन मार्ग तो हिंसा का है, अहिंसा का मार्ग तो बिल्कुल सरल है, सीधा है, सब तरफ से खुला है, कोई पाबंदी नहीं। सत्य बोलने का मार्ग बिल्कुल कठिन नहीं है, झूठ बोलने का कठिन है। झूठ पकड़ा गया तो जीभ काट देगा, झूठ पकड़ा गया तो दुनिया में इज्जत खत्म हो जाएगी, झूठ पकड़ा गया तो जेल हो जाएगा। सत्य बोलने से ना तो जीभ कटेगी, ना जेल होगा, ना कुछ होगा। इतना सीधा सरल सत्य रास्ता है, लेकिन लोग नहीं अपना रहे। पता नहीं क्यों कठिन लग रहा है, कैसा विचित्र है संसार, जहां कोई रोक टोक नहीं, बल्कि सत्य बोलने का पता चल गया, इज्जत बढ़ेगी, शान बढ़ेगी, लेकिन कठिन हो गया। आचार्य व्रत कितना सरल, मैं किसी की कोई वस्तु नहीं चुराऊंगा, सरल है, कोई पाबंदी नहीं, कोई नहीं कह रहा जो तू चोरी कर, ये तो कहने वाले तुम चोरी मत करना, सरकार घोषणा कर रही, महाराज भी घोषणा, सब कह रहे चोरी करना नहीं, आदेश टैक टू ऑर्डर। लेकिन कोई आज तक ये नहीं कह रहा है कि तुम चोरी करना पड़ेगी, तुम सरकार नहीं कह रही, गुरु नहीं कह रहे चोरी कर, चोरी नहीं करेगा तो जेल में डाल दिया जाएगा, चोरी करेगा तो जेल मिलेगा, नहीं करने पर कोई जेल नहीं। फिर भी लोग आचार्य व्रत धारण, अब्रह्म की बात मैंने बताई दी, विचार बलात्कार में सबको मालूम है कि पाबंदी है, कानून है, और संयम में यदि हम संयम धारण करें, कौन पाबंदी, कहां से पाबंदी, कौन सा कानून है, कौन सा सरकार का कानून है कि तुम्हें असंयम करना ही पड़ेगा, आदेश, यदि तुमने शादी नहीं की तो जेल में डाल दिए जाओगे, शादी करने के बाद तुमने यदि संयम नहीं किया, संयम लिया तो जेल में डालोगे, असंयम करो, कोई कानून नहीं। अपना व्रत ले लिया, सुधार संतोष व्रत ले लिया, कोई अपराध नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई कानून का बाधा नहीं, सबसे इज्जत और बढ़ेगी, चमत्कार होंगे, देवता प्रसन्न हो जाएंगे। सरल रास्ता, सीधा सा रास्ता, मैंने तो ये देखा है, आप लोगों को देख कर कह रहा हूं, तुम्हारा मार्ग बहुत कठिन है, मेरा मार्ग बहुत सरल है, बहुत सरल, इतना सरल, इतना कुछ पूछो ही मत, इतना सरल है, इतना सरल है, कुछ पूछो मत, आनंद ही आनंद है, बहुत सरल, कुछ नहीं करना। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुद्धि सुधार ले, बस हो गया भजन। जिन जिन चीजों पर पाबंदी है, जिन चीजों पर अपराध है, जिन चीजों पर हमारी जिंदगी को दुख सजा मिल सकती है, बस उन सब चीजों को छोड़ने का नाम ही धर्म है। क्योंकि यहाँ कुछ बहुत सरल है, हिंसा मार्ग बहुत कठिन है,
अहिंसा का मार्ग सरल है, बहुत सरल। ग्रस्त मार्ग बहुत कठिन है। तुम्हारी बहादुरी देखकर तो मेरे रोम रोम कांपते हैं, बहुत कांपता हूं तुम्हारी ग्रस्ती देख करके, मेरे बस की बात नहीं। मुनि व्रत कहो तो मैं इससे डबल पाल लूंगा, लेकिन तुम्हारी गृहस्थी का जंजाल मेरे तो बस की बात नहीं। तुम तो बहादुर आदमी हो, कैसे जिंदा रहते हो समझ में नहीं आता। मैं तो पागल हो जाऊंगा। इतना टेंशन तुम्हें, सुबह टेंशन, शाम को टेंशन, रात में टेंशन, टेंशन ही टेंशन से भरे हो। इधर दुकान का टेंशन, वो भाव गिर गए, माल भरा पड़ा है। इधर छोकरे का टेंशन, उसकी शादी विवाह नहीं हो रही। इधर एक बेटा पढ़ाई को गया है, इधर इनकम टैक्स वाले आ गए, इधर वो मकान अधूरा पड़ा, गिनाओ कितने कितने टेंशन। नो टेंशन, मुझे बताओ तुमने टेंशन में कब देखा? हो ही नहीं सकते। मार्ग बहुत सरल है, बहुत इजी मार्ग। महानुभाव, धर्म के मार्ग को बिल्कुल कठिन मत समझो, मूर्खों के लिए कठिन है, नशेणों के लिए कठिन है, भंगेड़ों के लिए कठिन है, ज्ञानियों के लिए सबसे सरल मार्ग है धर्म का मार्ग। फायदा ही फायदा, सब तरफ से फायदा, कोई आकुलता नहीं। अहिंसा का मार्ग में शांति शांति, मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा, बस मैं मारने का भाव ही नहीं करूंगा। मैंने कुछ पाया नहीं है, ध्यान रखना। मुनि महाराज कुछ पाते नहीं, मोक्ष मिला नहीं मुझे, केवल ज्ञान हुआ नहीं, फिर भी मैं तुम सबसे पूज्य कैसे बन गया? तुम सब लोग मुझे साधु क्यों मानने लगे? क्या इन पैरों में आ गया तो तुम गंदोदक लेने लगे? क्या आ गया? कुछ नहीं। आप तो काट के देख लो पैर हमारा, जो तुम्हारे पैर में है वो कुछ नहीं आया, परम औदारिक नहीं हुआ, पैर वही है। क्या किया मैंने, क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया बंधुओ, एक संकल्प पैरों को किया, मैं इस पैर से किसी जीव को मरने नहीं दूंगा, बस। साधु 24 घंटे, मैंने बहुत सोचा आप लोग पाद प्रक्षालन क्यों करते हो, पैरों का गंदे हाथों का क्यों नहीं मानते? हाथ ज्यादा अच्छे, अरे हाथ से ज्यादा सिर अच्छा है, बड़ा थोड़ा सिर करना क्यों, खोपड़ी ज्यादा अच्छी है ना, हाथ उससे कम थोड़े, लेकिन पैरों से तो, पैरों का क्यों, पैरों का क्यों? दुनिया पैरों को तो सबसे अपवित्र मानती है। हाथ लग जाए तो किसी को बुरा नहीं लगे, पैर लग जाए तो सबसे निकृष्ट पैर है, सबसे निकृष्ट पैर है, और साधु का सबसे उत्कृष्ट पैर है। समझना बात को, मानो संसारी प्राणी का सभी अंगों में सबसे निकृष्ट क्या है? पैर। और साधु का पूरे अंगों में, यदि सारे अंगों का अब इसे गंदोदक दिया, ये सिर का है, ये हाथ का है, ये पैरों का है, तो आप कौन सा गंदोदक पसंद करेंगे? क्यों? साधु का पैर उत्कृष्ट कैसे हो गया? कुछ नहीं बंधु, कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं हुआ इसमें। साधु 24 घंटे, बहुत होशियार हो तुम, 24 घंटे साधु की सबसे ज्यादा उपयोग पैरों में होता है, सबसे ज्यादा पैरों में उपयोग होता है, क्योंकि पूरे शरीर में सबसे ज्यादा हिंसा कौन से अंग से हो सकती है? हाथों से कम, सिर से
सवाल ही नहीं। सबसे ज्यादा जीवों की हिंसा किससे है? पैरों से। और साधु 24 घंटे पैरों में नीचे देख के चलता है। कितना यहां वहां देखने का मन भी होता है, नहीं नीचे देख रहा है। सबसे ज्यादा साधु का मन उपयोग पैरों में होता है। और पैरों में भी कौन सा उपयोग होता है? कुछ करने का नहीं, बचाने का। यानी साधु ने अपनी जितनी साधना की है उसको सुरक्षा कवच बचाने का जो शक्ति है वो पैरों को दे दी। और तुम्हें कौन सी शक्ति चाहिए? संकट निवारण बचने वाली शक्ति चाहिए, जो मुझे बीमारी से बचाए, मुझे संकट से बचाए। और बचाने वाली शक्ति साधु ने कहाँ भेज दी? पैरों में। और तुम्हें वो बचाने वाली शक्ति चाहिए, इसलिए गंधोदक तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बड़ा सिद्धांत है। साधु की और कोई चीज बचाने वाली नहीं है। दो चीजों का आप बहुत दीवाने हो। मेरे किसी अंग से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तीन अंग हैं। पहला अंग मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, एक। मैं तुम्हारा मुंह से नाम बोलूंगा, एक। मैं तुम्हें आंखों से देखूंगा, एक। और एक है, इनमें से कोई एक लेना है। और या तुम पैरों का पाद गंधोदक दूंगा, एक। मैं तुम्हारा नाम ले लूंगा, महेंद्र बाबू है, मैं नाम ले लूंगा, मैं तुम्हारी तरफ देख लूंगा, मैं तुम्हारे लिए हाथ उठा के आशीर्वाद दे दूंगा, छू लूंगा बस। और अंत में है, पैरों का गंधोदक दे दूंगा। एक कुछ करो है, सब का महाराज मत देखना, आशीर्वाद मत, मुझे तो पैरों का गंधोदक दे दो बस, सब मिल गया। सारे आशीर्वाद, सारी कृपा दृष्टि, सारा नाम लेना, सारी ताकतें एक तरफ रख दो और साधु के पैर से निकला हुआ गंधोदक एक तरफ रख दो, वो ताकतवान है। लाखों आशीर्वाद दे दे मैं मुनि महाराज, आचार्य महाराज, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पद्मनंदी पंचमी सती कारण ने तो स्पष्ट लिखा, साधु के नखों से निकला हुआ अग्रभाग का गंधोदक जिसके कपाट पर नहीं, सिर पर नहीं पहुंचा, वो मात खोपड़ी है, कपाल है, वो जिंदा है ही नहीं, मुर्दा है। सारी महिमा इसी की, पूरी तख्ती। मैं कहता हूं सबको दे दो, ग्रस्त कहेगा हमें कुछ मत दो, देखना भी मत मेरे पास, पर मुझे गंधोदक दे दो, बस दो बूंद गंधोदक दे दो। इतनी ताकत होती है इन पैरों में। क्यों क्यों नहीं तुमने हमारी आंखों को उपेक्षा कर दी? क्यों आशीर्वाद की उपेक्षा कर दी? क्यों तुम्हारी वाणी की उपेक्षा कर दी? क्योंकि सबसे ताकत बचाने वाला है पैर। रक्षा की पूरी ताकत साधना करता है साधु 24 घंटे, बस एक ही बार, भगवान कुछ भी कर देना, सब कुछ कर देना, बस मेरे पैर से किसी जीव का विनाश न हो। ईरिया समिति रख दी, हाथ समिति नहीं है, मुख समिति नहीं है, दृष्टि समिति नहीं है, ईरिया समिति चल रही पैरों से जो होता है। दूसरे में आपको अब दूसरा कहता हूं, हाथ से आशीर्वाद देता हूं और या पीछे से दूंगा, बोलो बेटा कौन सा पसंद करोगे? सही सही बोल दो, बढ़ाओ मत। हाथ से मैं दोनों से दे दूंगा बस, हमारा दोनों हाथ आप रख दो, आप तो पीछे से दे दो। और मैंने कहा ये तो बहुत होशियार बढ़िया, अरे भाई हाथ में मेरी चेतनता है, हाथ में मेरी आत्मा है, हाथ में रत्नत्रय है, ये जीवित हाथ है, पीछे लगा दो। तो मैंने कहा अरे पीछे तू मेरे से आगे कैसे निकल रही है? पर बाद में सोचा कि पिछी मात जीवों की रक्षा के लिए है।
ये तो हमारे हाथ खाने में भी आता है, आता है ना, ये हाथ तो हमें पढ़ने में भी आता है, ये हाथ तो और काम में आते, पिछी खाने के काम और किसी काम, मात्र एकमात्र जीवों की रक्षा के लिए काम आते हैं। उसका संकल्प ही रक्षा का है। साधु दूसरी ताकत देता है कि हे भगवान, मेरी पिछी जहां लगे वहां किसी भी जीव को कष्ट न होना चाहिए। पूरी एनर्जी पिछी में लगी है साधु, पैरों से, पैरों के बाद सेकंड नंबर पर यदि साधु प्रवृत्ति करता है तो अपनी पूरी ताकत पिछी को देता है। ले पिछी तो तीसरे नंबर पर अब दो नहीं मिले तो ठीक है महाराज, अब आशीर्वाद ही दे दो, हाथ ही उठा दो। क्यों हाथ भी क्यों, हाथ भी क्यों? तीसरे नंबर पर आया क्योंकि हाथ ये सदा आज तक किसी को मारने के लिए नहीं उठा, अभय के लिए उठता है। आशीर्वाद अभय के लिए उठता है। ठीक है खाने को भी उठता है, पढ़ने को भी उठता है, लेकिन जब भी उठेगा किसी को मारने के लिए नहीं, अभय देने के लिए उठता है। इसलिए आशीर्वाद सदा साधु कहता है कि आशीर्वाद जिस पे हो जाए वो अभय हो, भय से मुक्त हो। फिर चौथे नंबर पे आता है नेत्र। फिर आप कहते हो महाराज आशीर्वाद नहीं रहे तो कम से कम कृपा दृष्टि, मुझे मालूम है तुम कौन कौन से अंग से खुश होते हो, क्रम बता रहा हूं। पहली खुशी पैर से, दूसरी खुशी पीछे से, तीसरी खुशी हाथ से, अब ये नहीं है तो महाराज जी दृष्टि से, गुरु की नजर पड़ते ही आपका रोम रोम खिल जाता है, महाराज ने देख लिया है ना, होता है। हमारे गुरु महाराज को तो लोग यही देखते हैं कि वो एक बार देख ले उसमें व्यक्ति को ऐसे लगता है जन्नत मिल गई हो। क्यों? पांच इंद्रियां तो और भी है ना, वो क्यों नहीं, नेत्र क्यों? क्योंकि साधु अपने चौथे नंबर की, पांचवें नंबर की एनर्जी, चौथा हुआ पांचवा, चौथे नंबर की एनर्जी आंखों को देता है। कहीं मेरी आंख किसी को बचाने में चूक ना जाए, चूक ना जाए। हम लोग अपनी इस दिन भर की जो साधना करते हैं ना, जैसे आप लोग धन कमाते हैं तो बंटवारा करते हैं, इतना धन इसमें लगाना, इतना इसमें लगाना, इतना इसमें लगाना, ऐसे हम लोग भी दिन भर 24 घंटे में जो कमाई करते हैं, धर्म की एनर्जी इकट्ठित करते हैं, साधना से पुण्य का बंद करते हैं, उसका बंटवारा करते हैं, बंटवारा करते हैं। क्या बंटवारा करते हैं? चौथा हिस्सा देते हैं आँखों को। आँख चूकने पर बहुत बड़ी हिंसा है, कान से नहीं सुन पाया तो ज्यादा हिंसा नहीं है, मुंह से नहीं बोल पाया तो ज्यादा हिंसा नहीं है, किसी को नहीं छू पाया तो ज्यादा हिंसा नहीं है, लेकिन एक क्षण को नहीं देख पाया तो है कितनी गलती हो जाएगी। एक क्षण को नहीं देखा, बिना देखे पैर रख दिया, कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए साधु कहता है आंख को सारी एनर्जी देता चौथे नंबर पे, हे आंख चूक मत जाना, कहीं तेरी चूक से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तेरी चूक से उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए आंखों को एनर्जी देते हैं। और जिसमें साधु एनर्जी देता हो वह तुम्हारे काम आ जाए तो तुम्हारे बल्ले बल्ले हो जाते हैं, क्योंकि साधु की एनर्जी आंखों में बैठी है, करुणा की एनर्जी, दया की एनर्जी, वात्सल्य की एनर्जी, अभय दान की एनर्जी, सारी एनर्जी आंखों में बैठा है। आग जब भी साधु की उठेगी नियम से कोई ना कोई बचेगा, किसी ना किसी को दया की एनर्जी मिलेगी, किसी ना किसी पर उसकी करुणा बरसेगी,
क्योंकि आंख बिना करुणा के उठती नहीं। साधु राग से आंख नहीं उठाता, साधु द्वेष से आंख नहीं उठाता, साधु वासना की आंख नहीं उठती है, साधु की आंख उठती है तो करुणा की, दया की, कल्याण की। इसलिए आंखों के लिए ये चार स्थान है, और तुम ये चार ही पसंद करते हो, और कोई तुम्हें पसंद है नहीं। पांचवा भी थोड़ा सा है, रसना इंद्री नहीं, वाणी है। बस पांचवा तुम्हारी वाणी पे आता है, वो भी नंबर पांचवा है वाणी पर, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि इस मुख से जो निकल जाएगा वही होना है। मुनियों के वचन न झूठे हों, जो कुछ मुख से कह देते हैं। यदि गुरु के मुख से निकल गया, गुरु के मुख से अशुभ शब्द तो निकलेगा ही नहीं। दोष वादे चमोन्यम, साधु की विशेषता होती है यदि किसी का अशुभ होना हो, होगा, लेकिन वो अपने मुंह से अशुभ बोलेगा नहीं। होना है तो होगा, लेकिन बोलेगा नहीं। तेरा अशुभ हो जाए, तेरा नाश हो जाए, तेरा विनाश हो जाए, नहीं। होना है तो होगा, लेकिन बोलेगा नहीं, मौन ले लेगा। बोलेगा तो क्या बोलेगा, तेरा विकास हो जाए, तेरा कल्याण हो जाए, तेरी विशुद्धि बढ़ जाए, सुख समृद्धि बढ़ जाए, तू निरोग हो जाए। बीमारी फैल रही थी कोरोना, क्या निकलता था, हे भगवान संसार के किसी जीव को कोरोना ना हो, या ये भी भावना भाव, हे भगवान कोई बचे नहीं कोरोना से। शब्द तो दोनों ही बोल सकते हैं ना। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि नहीं जिन्होंने ये भावना भाई है कि दुनिया में कोई कोरोना से ना बचे, बोलो। दुनिया की कह रहा हूं, सबको मालूम है वायरस फैला ही इसलिए गया था। ऐसे ऐसे लोग पाए गए पापी जो कोरोना से ग्रसित होकर के दूसरों को छूते हुए पाए गए, सार्वजनिक स्थान को छू लिया जहां सार्वजनिक स्थान है, घरों में थूक के आ गए, मैं बीमार तो पूरा नगर बीमार होना चाहिए। ऐसी जाति भी दुनिया में है, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जिनकी भावना थी कि कोरोना से संसार का कोई व्यक्ति बचना, सबको कोरोना होना चाहिए, सबको कोरोना होना चाहिए, सब दुनिया मरना चाहिए। दुख सुना है, एक देश ने बताते ये वायरस इसलिए छोड़ा था कि सारी दुनिया का नाश हो जाए। है दुनिया, चिंता मत करना। ऐसे बोलने वाले भी हैं सत्यानाश हो तेरा, ऐसे भी है सारे जगत का नाश हो, है बोलने वाले, लेकिन साधु के मुख से नाश की बात निकल ही, क्या निकलेगी, सब निरामय हो, सब निरोग हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सबके घर में मंगल हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो। ये शब्द साधु के मुख से निकलते हैं, और तुम्हें मालूम है कि जो मुख से निकलता है वो होता है, इसलिए तुम कहते हो महाराज दो शब्द। प्रवचन सुनने तुम इसलिए नहीं बैठे हो कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, प्रवचन सुनने इसलिए नहीं बैठे हो कि तुम्हें कल भगवान बनना है, प्रवचन सुनने इसलिए नहीं बैठे हो कि तुम्हें मुनि बनना है, प्रवचन सुनने इसलिए नहीं बैठे हो कि तुम्हें वृत्ति बनना है, प्रवचन सुनने इसलिए नहीं बैठे हो कि तुम्हें धर्मात्मा बनना है, कोई नियम लेना है, नियम लेना नहीं। ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं अभी नियम दूं तो बोले महाराज जी मैं नियम तो नहीं लूंगा।
तो फिर काय को आयो? आऊंगा तो सही, आऊंगा तो महाराज मैं नियम वियम कुछ लूंगा नहीं, कोई भी नियम नहीं लूंगा, आप नियम ले लीजिए कि मुझे कोई नियम मत देना, ये भी तुम कर सकते हो। तुमने कहा मैंने किया था एक बार, बहुत पहले की छोटी की घटना है, महाराज लोगों की आदत है नियम देने की। तो एक दिन महाराज आए तो वो सब लोग आते थे, किसी ने शिकायत कर दी ये नहीं आता महाराज आपके पास, कोई पाठशाला माठशाला पढ़ाते थे पढ़ा देते थे, मैं जाता नहीं था। तो क्यों नहीं आते बेटा? मैंने कहा आप नियम देते हो तो नियम तो देते, आप नियम ले लो कि मैं नियम नहीं दूंगा तो मैं आ जाऊंगा। वो महाराज भी गजब के थे, पता नहीं उन्होंने क्या देखा, इतने सीधे महाराज थे। उन्होंने कहा बेटा मैं नियम लेता हूँ, कोई नियम नहीं दूंगा, अब तो आ जाओ। मैंने कहा आ जाऊंगा। अरे मैंने कहा इतने सीधे महाराज भी होते हैं क्या? महाराज तो वो होते हैं जो नियम देते हैं और चेला वो होता है जो नियम लेता है। कितना खतरनाक आदमी हूं मैं, अभी कि इस मार्ग में आने की नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे मार्ग में था तुम। मैं ताज्जुब कर रहा हूं, मैंने कहा ये साधु है क्या है? और मुझे भी शर्म लगी, मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूं? साधु से नियम लेना चाहिए कि साधु को नियम देना चाहिए? अब बोलो मैं आज तक शायद तुमने तुम में इतना बड़ा खुरापाती कोई नहीं होगा, और मैं था। और बेचारे महाराज इतने सीधे उन्होंने नियम ले लिया। बेटा मैं नियम लेता हूं तुझे कोई नियम तो हमके अब तक काय का डर? डर तो इसी का था कि तो मैं आ जाऊंगा पाठशाला में, आ गया, फंस गया ना। महाराज ने कहा बेटा तू मुझे नियम दिला रहा है, तू आ तो सही, एक दिन सारे नियम तेरे होंगे। यदि महाराज वो उस दिन वो नियम नहीं लेते, मैं जाने वाला नहीं था और मैं जाता नहीं तो आज यहां होने वाला नहीं था। गुरु की महिमा अपरंपार होती है। गुरु किस तरीके से हमारे लिए मार्ग सिखा दें, कोई तरीका निश्चित नहीं। अब मैं सोचता हूं कि हे गुरुदेव, हे साधु संत, ये भी कोई मार्ग है किसी को मार्ग पर लाने का? ये भी कोई मार्ग है किसी को लाने का? अरे मार्ग है, नहीं आ रहा नहीं आना, तो ये नियम थोड़ी लूंगा मैं। नियम तू ले तो ले, नहीं तो भाग जाएंगे, नहीं आता तो नहीं आते, क्या पड़ी थी उनकी। लेकिन साधु की बुद्धि बहुत कठिन, वे अच्छे अच्छे लोगों के सामने झुक जाते हैं। सज्जन पुरुष दुर्जन को सज्जन मार्ग पर लाने के लिए किसी भी हद तक झुक सकता है। एक बार एक बेटे भे बाप शराब छोड़ने को तैयार नहीं, बेटे ने कहा पापा शराब पीते, मेरे से कहा महाराज जी बहुत परेशान हूं, मेरे पापा शराब पीते। उन्हें सबने समझा लिया, कुछ नहीं मानता, आपका समय हो रहा है, फिर क्या करना? मैंने कि आज तू ऐसा कर, पापा के लिए दो बोतलें लेके जा। और पापा पूछे बेटा दो क्यों लाए? बोले पापा जी बताओ मैं आपका ओरिजिनल बेटा हूं कि दो नंबर का? मैं आपका बेटा हूं कि नहीं? बोले हो बेटा, तो मेरे बेटा बाप कही गई। तो अच्छा बेटा कौन है जो बाप का अनुकरण करे? एक बोतल आप पीजिए, एक मैं पीऊंगा, क्योंकि आपका ओरिजिनल बेटा हूं। और दोनों बोले पापा ए आपका ए बुरा। पापा की हवा खिसक गई, बोले बेटा ये नहीं पीना, पापा मैं ओरिजिनल बेटा हूं, नकली बेटा होता तो आपकी नकल नहीं करता, असली बेटा तो वही है जो बाप करे सो बेटा करे, मैं तो पीऊंगा, आप भी पियो और आपसे कुछ नहीं। हो सके तो इतने पे भी नहीं छोड़े तो सारे परिवार के गिलासों में शराब भर देना। बोले अपन पियेंगे तो सब एक साथ पियेंगे,
मम्मी भी कर लेना, बहना को भी कर, सबको करना। पियेंगे तो सब एक साथ पियेंगे, रोज करोगे झगड़े की बात खत्म करो। मम्मी तेरे से लड़ती है, पापा मैं लड़ता हूं, सब झगड़ा खत्म। आज के बाद सबके गिलासों में एक एक समान होगा। बाप घबरा गया, सच्चा बाप कितना भी गंदा हो लेकिन अपने बेटे को गंदा होता नहीं देख सकता। हो गया, तरीके हैं समझाने के। वे गुरु महाराज का तरीका है, नियम ले लिया उन्होंने, आओ बेटा आओ। और मैं बात बताऊं तुम्हें, उन्होंने नियम लिया था कि मैं नियम नहीं दूंगा। अंत में उन्होंने पढ़ाई किया, समझाया, मैंने खुद जाकर उनसे नियम लिया। और उन्होंने कह दिया, देख बेटा मेरा नियम है, मैं नियम नहीं दूंगा। मैंने कि आप दे नहीं रहे हो, मैं ले रहा। तरीके होते हैं, इसलिए अपने जीवन का समय आपका हो गया। अपन जो प्रसंग चल रहा है कि हम अपने जीवन की बुराइयों पर कैसे कंट्रोल करें, और बुराइयों के रास्ते हम इतनी सरलता से ढूंढ रहे हैं, और अच्छाइयों के रास्ते जो खुले पड़े हैं, दरवाजे खुले पड़े, कोई चौकीदार नहीं, उस पर हम चलने को तैयार नहीं। और मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, बुराइयों पर जाने वाला रास्ता बहुत कठिन है और अच्छाइयों पर जाने वाला रास्ता बहुत सरल है, सहज है। अब अपन इस पे और चर्चा करेंगे महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान धर्मचंद जी, ज्ञानमती देवी बड़जात्या, फतेहपुर शेखावाटी, फर्म श्री बड़े बाबा इंटरनेशनल परिवार, सूरत गुजरात, स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में, धर्मपत्नी श्रीमती नत्थी बाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से समस्त परिवार।